हेलो गाइज, इस वीडियो में मैं लाइव दिखाने जा रहा हूँ कि अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेल होता है किसी भी काउंसलिंग में, फॉर एग्जांपल यूपी टेक की काउंसलिंग में अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेल हो रहा है तो क्या मैसेज अलर्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आप लॉग इन करोगे अपने पोर्टल पे तो आपको एक मैसेज देखने को मिलेगा कि डियर कैंडिडेट, ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाई वेरीफाइंग ऑफिसर सम डिस्क्रिपेंसी हैव बीन फाउंड इन योर अपलोडेड डॉक्यूमेंट, काइंडली रिमूव द डिस्क्रिपेंसी। तो आपको इस तरह का अलर्ट आ जाएगा, इसका मतलब सीधा है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेल हो गया है। आपके एक नहीं तो दो तीन डॉक्यूमेंट्स, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, गलत अपलोड हो गए हो या फिर आपने वो उनको जो वेरिफिकेशन ऑफिसर्स है उनको उन्होंने फेल कर दिया है। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन आएगा, आपके पास यहाँ नीचे आएगा व्यू एंड रिमूव डिस्क्रिपेंसी। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको दिख जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके फेल हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ओबीसी कैटेगरीज बच्चे का फेल हुआ है, रीजन लिखा हुआ है ना। वहीं पे सीधा आप थोड़ा नीचे करोगे तो यहाँ पे देखो इसके 12th की मार्कशीट में भी कोई प्रॉब्लम आई है, वो भी फेल हुआ है और रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चांस दिया जाएगा जहां पे आप रिकरेक्ट कर सकते हो। अगर अदरवाइज आप यहाँ पे रिकरेक्ट नहीं कर पाए तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा और अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात आई तो आप काउंसलिंग से बाहर भी कर दिए जाओगे। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है। रेगुलरली आपको अपने पोर्टल्स पर चेकआउट करते रहना है कि किसी तरह का अलर्ट तो आपको नहीं आया है। तो मैंने प्रोसेस बता दिया कि जब अलर्ट आएगा कहां से फाइंड करोगे और कहां जाके उसको रिकरेक्ट करोगे। अदरवाइज अगर आप अपने एंड से नहीं कर पा रहे हो, कोई एरर आ रहा है, आप फंस रहे हो तो आप हमारी भी हेल्प ले सकते हो। डेडिकेटेड सपोर्ट अवेलेबल है, खास करके अगर बात आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तो वह हमारी पहली प्रायोरिटी होती है कि एटलीस्ट बच्चा अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो फेल ना हो और अच्छी तरीके से वो अपनी काउंसलिंग को कर पाए। पूरी हमारी डेडिकेटेड टीम है इसके लिए। कॉलेज लेवल की भी बात होती है तो उसको आप रिकरेक्ट किया जा सकता है, सारी चीजें अवेलेबल है। ठीक है, तो पोर्टल्स पे भी अगर आपको इश्यू आता है तो उस चीज से रिगार्डिंग आप हमारी भी हेल्प ले सकते हो। अदरवाइज आप खुद से भी इस तरह से प्रोसेस को फॉलो करके उसको रिमूव कर सकते हो। अब MMUT काउंसलिंग के साथ हुआ क्या कि बहुत सारे बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आई है और उनके जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड है फिर भी उसे प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरह की चीजें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान थे, रेगुलर मैसेजेस आ रहे थे। तो ये अवेयरनेस वाली वीडियो मैंने बनाना बहुत जरूरी समझा आप लोगों के लिए, जिससे आपके लिए हेल्पफुल होगा। गाइस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को प्रेस करके रखना, क्योंकि इस तरह की रिलेटेड वीडियोस आप समझो कि लाइफ सेवियर आपके लिए होने वाली है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।